दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित झा, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं क्यों इंडिया में ओरल कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में इंडिया को माउथ कैंसर का कैपिटल बोला जाता है, यानी कि जैसे इंडिया में अपना दिल्ली कैपिटल है, महाराष्ट्र में मुंबई जैसा कैपिटल है, कैपिटल यानी कि राजधानी का शहर, वैसे ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर के पेशेंट्स इंडिया में दिखाई देते हैं। एक टाइम पे आप देखोगे तो लगभग 8 से 10 लाख माउथ कैंसर के पेशेंट्स इंडिया में प्रेजेंट रहते हैं। इसमें से लगातार सबसे ज़्यादा पुरुषों में दिखाई देते हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन मेन, यानी कि भारतीय पुरुषों में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है, तो माउथ कैंसर है। और महिलाओं में भी अभी माउथ कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के और सर्वाइकल कैंसर के बाद माउथ कैंसर ये महिलाओं में भी तीसरे क्रमांक का कैंसर आता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 8 से 10 लाख माउथ कैंसर के पेशेंट्स ये पूरे दुनिया में किधर भी नहीं पाए जाते, ये सिर्फ ये इंडिया में होता है। इसका मेन रीजन सभी को पता रहेगा कि हम इंडिया में जो टोबैको यूज़ है, यानी कि तंबाकू या तंबाकू जन्य पदार्थ का सेवन है, यही मेन कारण है। ये क्यों मेन कारण है, तो अगर देखा जाए हमारे समाज में, इंडियन पॉपुलेशन में या इंडियन सोसाइटी में च्यूइंग टोबैको इज अ सोशल रिचुअल, मतलब ये आम तौर पे पाया जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, लड़का हो जाता है, यंग हो जाता है, तो अपने फादर के साथ घर में तंबाकू का सेवन कर सकता है। मतलब ये एडिक्शन इंडिया में जो है वो हमने एक्सेप्ट कर लाए एज अ सोशल नॉर्म, मतलब इसमें किसी को कुछ गलत नहीं लगता है। आजकल तो महिलाओं में या यंग फीमेल्स यानी लड़कियों में जो जॉब में जाते हैं उनमें भी स्मोकिंग का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसे हम वेस्टर्नाइजेशन और वेस्टर्न लाइफस्टाइल बोलते हैं। हमें कंपेरिजन करना है अच्छी चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए हमें कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग करना या टोबैको च्यूइंग करना, ये मतलब ये फैशनेबल हुआ है और इसकी वजह से ही यंगर एंड यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तंबाकू या तंबाकू जन्य पदार्थ का सेवन करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम पान मसाला खाते हैं, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तंबाकू नहीं खाते, हम तो सुपारी जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं पान में डालते हैं, या जिसे हम पान मसाला के साथ जो सुपारी खाते हैं वो भी कार्सिनोजेनिक है। सुपारी को जो साइंटिफिक नेम है उसे अरेका नट बोला जाता है, और उसमें ही एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस रहता है जिसे हम अरेकोलिन बोलते हैं। जो अरेकोलिन है वो तंबाकू में जैसे निकोटीन है वैसे ही वो कैंसर करता है, ये पाया गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है। दूसरी चीज़ है पान मसाला में जो प्रोसेसिंग करते हैं उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए पुराने ज़माने के लोग तंबाकू खाते थे तो उनको इमिडिएटली माउथ छोटा नहीं होता था। आज अगर हम देखते हैं जो लोग गुटखा का सेवन ज़्यादा करते हैं, पान मसाला का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उनका मुँह पूरी तरह से खुलता नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो कंटेंट है इसमें अरेकोलिन जो सुपारी में रहता है, और जो ये केमिकल्स है जो मसाला पान मसाला या गुटखा बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उसका इफेक्ट अपने गाल के अंदरूनी त्वचा पे, जिसे हम म्यूकोजा बोलते हैं, बकल म्यूकोजा या ओरल म्यूकोजा बोलते हैं, उस पर बहुत इमिडिएटली होता आता है। और अगर हम देखेंगे कोई भी रबर जिसमें इलास्टिसिटी रहती है वो बहुत नॉर्मल रहता है, बट वही अगर पुराना होता है तो उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती और वो टूट जाता है। ऐसे ही हमारे बकल म्यूकोजा में इलास्टिक फाइबर रहते हैं, ये जो केमिकल्स है वो बहुत ज़्यादा सेवन करने से उन पे इफेक्ट करते हैं और वो टूटने लगते हैं और उसमें इलास्टिसिटी नहीं आती है। तो इसी वजह से मतलब तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थ का सेवन ज़्यादा होना, स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ना, अल्कोहल इज सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से अल्कोहल कंजम्पशन या दारू का सेवन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। और ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन है वो यंगर पॉपुलेशन है, ये यंगर पॉपुलेशन में एडिक्शंस का परसेंटेज बहुत बढ़ रहा है। प्लस पान मसाला और सुपारी का खाना, ये जो मेन रीज़न है इनका इंसिडेंस ओवरऑल बढ़ रहा है, इसकी वजह से ही इंडिया में माउथ कैंसर यानी ओरल कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। ध्यान दें, सतर्क रहिए और हमेशा एडिक्शन यानी तंबाकू, सुपारी या
कोई भी चीज़ जो आप मुंह में चू करते हैं उससे दूर रही है, इसी को इसी की तरह हम माउथ का कैंसर अवॉइड कर सकते हैं। धन्यवाद। माउथ कैंसर के बारे में या किसी भी कैंसर के बारे में आपको कोई भी डाउट है, सवाल है, गलत फहमियाँ लगती है, कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिए, हमें उसका आंसर देने में हमेशा खुशी होगी, आनंद होगा। धन्यवाद।